हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 से 5 साल के बच्चे के आस्तीन बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाले हैं 10 नंबर सिलाई पर, डिजाइनर बॉर्डर डाला हुआ है। अब 1.5 इंच के करीब मैंने ये बना लिया है बॉर्डर। अब मैं यहाँ से 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और अपना डिजाइन स्टार्ट करूँगी। अब ये सीधी साइड हमारी, अब मैं ये 9 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी और एक फंदा मैंने इधर बढ़ाना है और एक फंदा इधर बढ़ाना है। उसके बाद मैं 5 सिलाई और बुन लूँगी, फिर 6ठी सिलाई पे फिर फंदे बढ़ाऊँगी। अब कैसे फंदे बढ़ाने हैं देख लीजिए। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया है, अभी दूसरे फंदे को हमने पहले सीधा बुना, फिर इसी फंदों को हम पीछे की तरफ से बैक लूप से दोबारा बुन लेंगे। इस तरह हमारे एक फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। अब आगे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। अब फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये दूसरा वाला फंदा है, इस पर हमने फंदे बढ़ाना है। पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदों को पीछे की तरफ से बैक लूप से इसको दोबारा से इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह एक फंदे से हमारे 2 फंदे हो गए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, हर बार हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं, इधर से दूसरे फंदे को और इधर से भी दूसरा फंदा लेंगे। अब ये वाली रो हम काउंट नहीं करेंगे, पीछे वाली रो को हम फर्स्ट रो मानेंगे। इस तरह 5 सिलाइयाँ बुनने के बाद जब हम 6ठी सिलाई में आएंगे सीधे का, तब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। अब मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने हर 6ठी सिलाई में फंदे बढ़ाती गई हूँ। मैं जिस सिलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं उस सिलाई को काउंट नहीं करेंगे, आगे की 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे, तब जब हम 6ठी सिलाई में आएंगे फिर हमने फंदा बढ़ाना है। इधर से एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे पर बढ़ाना है और इधर से भी हमने एक फंदा छोड़ के इधर दूसरे वाले फंदे पर हमने फंदा बढ़ाना है। इस तरह हर 6ठी सिलाई पर हम फंदा बढ़ाते गए हैं। इस तरह 13 इंच हमारी हमें लेंथ मिल गई है। अब यहाँ पे आकर मेरे 70 फंदे रह गए हैं। अब हमने आस्तीन की घटाई शुरू करनी है। फ्रेंड्स, आस्तीन पे हमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हमें कितने फंदे रखने हैं। हमें जितने हमारे आगे के पीस में फंदे होते हैं उससे 2-4 फंदे कम या ज़्यादा हो जाएं, इतने फंदे रखने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे 70 फंदे हैं। अब हम यहाँ पे घटाई शुरू करेंगे आस्तीन की, 3-2-1 करके हमने घटाना है। पहला फंदा उतार लिए, दूसरे फंदे को हम बुनेंगे, पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर एक और फंदा बुनेंगे, फिर इसके फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। इससे 2 फंदे हमने घटा दिए हैं। इससे 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब पूरी रो को हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लेंगे। जब हम बैक साइड में आएंगे फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं, अब इधर भी हमने 3 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरे फंदे को बुन लिया, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पास कर देंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर पास कर देंगे। इस तरह 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब ये तीसरा फंदा हम घटा रहे हैं। इस तरह 3 फंदे हमने बैक साइड में भी घटा लिए हैं। अब पूरी रो को हम बुन लेते हैं। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। फ्रेंड्स, ये बैक साइड हमारी, इधर हमने 3 फंदे घटा दिए थे, अब इस पूरी रो को हमने बुन लिया है। अब लास्ट वाले फंदे को हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, उसको बुनना नहीं है। अब सीधी साइड में हम आ गए। अब हमने 2 फंदे ऐसे उतार लेने हैं। इस फंदे को, पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इस तरह एक फंदा हमारा घट गया है। अब ये 2 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हमने अपने डिजाइन के हिसाब से पूरी रो को बुनना है और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेना है। इस रो को मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इधर हमने 2 फंदे घटाए थे, अब इस रो के लास्ट में हमने लास्ट वाले फंदे को हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को ऐसे ले लिया सिलाई में, दूसरे को भी ऐसे ही ले लिया बिना बुने हमने सिलाई में। अब पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से हमने
ऐसे पास कर देना है। इस तरह एक फंदा हमारा घट गया है, दूसरे फंदे के ऊपर से पास कर दिया। इस तरह दो फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम पूरी रो को अपने डिजाइन के हिसाब से बना लेंगे। अब इसी रो को मैं बुन लेती हूँ, बस लास्ट वाले फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूंगी। मैं बुन लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। हम लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। अभी तक हमने तीन फंदे घटाए, फिर दो घटाए, अब हम एक फंदा घटाएंगे। पहले फंदे को उतार लिया, दूसरे फंदे को भी उतार लिया। अब इस फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब पूरी रो को हम डिजाइन के हिसाब से बुन लेंगे। बस इस रो में लास्ट वाले फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाले फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। इधर भी हमने ऐसे किया था, पहले तीन फंदे घटाए फिर दो घटाए, अब हम एक फंदा घटाएंगे। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, दूसरे वाले फंदे को भी हम ऐसे उतार लेंगे। पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। बस अब हमने तीन दो एक की घटाई कर लिया। अब इस रो को पूरा लास्ट तक हमने उल्टा उल्टा बुनना है डिजाइन के हिसाब से। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है, पूरी रो को हमने बुनना है। फ्रेंड्स, इस तरह हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितने गुलाई के साथ, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग हुई है। बिल्कुल स्टेप जैसा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल प्लेन घटाई दिखाई दे रही है। अब आते हैं सीधी साइड में। सीधी साइड में हमने अब कोई फंदे नहीं घटाने हैं, पूरी रो को अपने डिजाइन के हिसाब से मैं बुन लेती हूँ। जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो फिर ये सारे फंदों को मैं बंद कर दूंगी। पहले मैं इधर की सीधी रो को ऐसे बुन लेती हूँ अपने डिजाइन के हिसाब से। मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है सीधी साइड से। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं। अब इधर हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। दो फंदे का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, इस बुने वाले फंदों को इसमें डाल देंगे ऐसे। दो फंदों को फिर हम दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, फिर इस वाले फंदों को इस वाली सिलाई में ऐसे डाल देंगे। इस तरह हमने सारे फंदों को बंद कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं करना हमने। लास्ट तक मैंने सारे फंदों को बंद कर लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इससे मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है और ये हमारी स्लीव बनके कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है। अब इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। लेंथ हमारी 14 इंच हमको तैयार लेंथ मिली है। इसके साथ ही ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।